देखा जाए तो इस दुनिया में सारा खेल पैसे का ही है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन पैसों का मोह ही कुछ ऐसा होता है कि इसके चक्कर में इंसान रात दिन अपनी चप्पलें घिसता रहता है। पैसा जिंदगी को काफी आरामदायक भी बना देता है, साथ ही मुसीबत आने पर यह पैसा हमारे काफी काम भी आता है। शायद यही वजह है कि सारी दुनिया दिन रात पैसों के पीछे भागती रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई बार खराब किस्मत के चलते जेबें खाली ही रहती हैं। ऐसे में लोग निराश हो जाते हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो टेंशन ना लें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे घर में पैसों की आवक बढ़ाने का एक बहुत ही सरल, नायाब और कारगर उपाय, जिसको करने से आपकी ये समस्या काफी हल हो जाएगी। आपको बता दें, आपको ये उपाय लगातार 5 मंगलवार तक करना है। इससे आपके घर में पैसों की आवक 10 गुना बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, पहले मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानी आदि कर हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद एक लाल रंग के कपड़े में एक चांदी का सिक्का, एक सुपारी, चावल के 5 दाने और पीतल से बनी छोटी गदा रखें। पीतल की ये गदा आप किसी भी सुनार से बनवा सकते हैं। इन सभी चीजों की कुमकुम से पूजा करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में हनुमान जी की आरती करें। इन सब के बाद इस कपड़े में रखी सभी सामग्रियों की पोटली बनाकर रख दें। फिर अगले मंगलवार को ये पोटली दोबारा खोलें और फिर से हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ और फिर आरती करें। ये विधि आपको पूरे 5 मंगलवार तक दोहरानी है। इन 5 मंगलवार तक वो लाल कपड़ा और उसमें रखी सामग्री पूजा स्थल में हनुमान जी के चरणों में ही रहने दें। जब 5वां मंगलवार आ जाए तो अंत में इस लाल कपड़े की पोटली को घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, साथ ही घर में पैसों के आने के नए साधन खुल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस उपाय को करते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। जिस दिन से आप ये उपाय शुरू कर रहे हैं, उस दिन से हर मंगलवार आप हनुमान जी के नाम का व्रत रखें। खासकर इस दिन घर में मांस मच्छी न बनाएं और साथ ही इस दिन किसी भी तरह के नशे का सेवन न करें। इतना ही नहीं, इस दिन आपको बाल ब्रह्मचर्य नियम का भी पालन करना है। अगर आप ये सभी नियमों को ध्यान में रखेंगे और उपाय को पूरी श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो आपकी पैसों को लेकर समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।